वेलकम टू द आशिमा शो। दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके फॉरेन नेशनल के वर्कर्स, जिसमें करोड़ों भारतीय भी शामिल हैं, उनको अमेरिका में आने पर रोक लगाई है। ट्रंप के अकॉर्डिंग इस कदम का मकसद कोरोना वायरस से हुए करोड़ों बेरोजगार अमेरिकी लोगों को अमेरिका में जॉब के अवसर देना है। करोड़ों भारतीयों के मन में दुविधा बनी हुई है कि क्या उनको अमेरिका से निकाल दिया जाएगा, या फिर जो लोग भारत में बैठे अमेरिका आने की ताक में हैं, क्या उनके सपनों पर पानी फिर गया है। वीडियो में बताऊंगी किन किन वीजा कैटेगरी वाले लोगों पर असर नहीं पड़ेगा, वो यूएस बिना परेशानी आ सकेंगे, इस ऑर्डर में उनको एग्जेम्पशन मिली हुई है। साथ ही ये भी बताऊंगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप की इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की लीगैलिटी क्या है। कहीं 2017 की तरह यूएस सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को टेम्परेरीली खारिज तो नहीं कर देगी। इस कदम के पॉलिटिकल मकसद भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि 2016 में ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे पर प्रेसिडेंट बने थे। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में क्या है। अमेरिका में कोरोना महामारी ने जिस तरह पांव पसारे हैं वो भयवे है, और इसके कई तरह के असर देखे जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ये पहले तो महामारी की गंभीरता को नकारते रहे और तब तक हालत खराब हो गई। अब जब अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 लाख से ज्यादा हो गई और मरने वालों की संख्या 45,000 से पार हो गई है, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाकर फिलहाल अमेरिका आने वालों पर रोक लगाएंगे। अगले 60 दिन के लिए नए ग्रीन कार्ड इशू करने या परमानेंट रेजिडेंसी की अनुमति देने की प्रोसेस पर रोक लगा दी, ताकि अमरीकी नागरिकों को जॉब के ज्यादा अवसर मिल सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अप्रैल 11, 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इतिहास में पहली बार 2 करोड़ से भी ज्यादा अमरीकी नागरिकों ने अनएम्प्लॉयमेंट भत्ते के लिए फॉर्म भरा है। अब बात कर लेते हैं कि इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कौन लोग प्रभावित होंगे। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर केवल उन लोगों को प्रभावित करेगा जो अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंसी लेने की सोच रहे हैं, जिसे ग्रीन कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। वीजा की वैलिडिटी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही होती है। जैसे H-1B और L-1 वीजा कैटेगरी में लोग अमेरिका में अब अधिकतम 6 साल तक ही जॉब कर सकते हैं। अगर कोई 6 साल से ज्यादा काम करना चाहता है तो उसका ग्रीन कार्ड अप्लाइड होना चाहिए। ग्रीन कार्ड लोगों को यूएस में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति देता है, और ये यूएस सिटीजनशिप के लिए भी रास्ता खोलता है। इस ऑर्डर से ये सभी लोग प्रभावित होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका में फाइनेंशियल 2019 में लगभग 10 लाख ग्रीन कार्ड जारी किए थे, जिसमें लगभग 50% यूएस सिटीजन के परिवारों के सदस्य थे जिनको ये ग्रीन कार्ड मिला था, जिसे फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड की फॉर्म में जाना जाता है। अब बात करते हैं कि किन किन लोगों पर इस ऑर्डर का असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि हालांकि इस कदम का उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो अस्थायी तौर पर देश में आ रहे हैं। साथ ही इमिग्रेंट वीजा होल्डर जो फिजिशियन, नर्स और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशन जैसे ऑक्यूपेशन में कार्यरत है, जो लोग COVID-19 की रोकथाम और इसके फैलाव को रोकने के लिए मेडिकल रिसर्च करना चाहते हैं, उनकी एंट्री पर भी बैन नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि जो लोग H-1B जैसे नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा पर रह रहे हैं, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। H-1B वीजा उन फॉरेन नेशनलिटी वर्कर्स को जारी किया जाता है जो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कितने दिनों तक लागू है। ये बैन 23 अप्रैल 2020 की रात 12 बजे से चालू होकर 60 दिन के लिए लागू होगा। इसके बाद ही किसी तरह की एक्सटेंशन या फिर चेंजेस पर विचार किया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि मैं खुद एक्सपर्ट टीम की हेल्प से उस समय की आर्थिक परिस्थिति का आंकलन करूंगा और डिसीजन लूंगा। अब बात करते हैं कि क्या ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लीगल है। 1965 का द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट अमेरिकी प्रेसिडेंट को पावर देता है कि अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए किसी भी विदेशी समूह या कंट्री पर यूएस में एंट्री करने से बैन लगाया जा सकता है। ट्रंप ने जनवरी 2017 में प्रेसिडेंट का पद ग्रहण करने के बाद 7 मुस्लिम देशों से और हाल ही में फरवरी में कोरोना वायरस के चलते यूरोप से आने वाले यात्रियों पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू अमेरिका में एंट्री पर बैन लगा दिया था। मिडिल ईस्ट की 7 मुस्लिम कंट्रीज के बैन को यूएस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। शुरू में तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया, लेकिन बाद में प्रेसिडेंट के ऑर्डर को अपहेल्ड किया और कहा कि ये बैन करने का डिसीजन उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। अब बात करते हैं कि इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का राजनीतिक मकसद क्या हो सकता है। 2020 प्रेसिडेंट इलेक्शंस नवंबर में होने वाले हैं। ओपोजिशन पार्टी डेमोक्रेट्स का आरोप है कि कोरोना से निपटने में देरी और जिस तरह से इसने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है, उससे ध्यान हटाने के लिए ये एक कदम है। डेमोक्रेटिक पार्टी का मानना है कि विदेशी डॉक्टर्स और स्टाफ का तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रमुख योगदान है।
दोस्तों अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप मेरी वीडियोस देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, यूएस की इंटरेस्टिंग और नॉलेज भरी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।